टॉपिक का नाम है टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही बात है। तो आपने वर्ड सुना होगा टॉर्क, और अगर नहीं सुना तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप गाड़ी का कंपैरिजन करते हैं तो आप रिव्यू लेते हैं, तो उसमें बहुत एक्सप्लेन किया जाता है इसका टॉर्क इतना ज़्यादा है गाड़ी का, तो नंबर ऑफ रोटेशंस इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है। या फैन, कोई भी घूमती हुई बॉडी, फैन लें मोटर लें, उसके ऊपर हमेशा बॉक्स पे लिखा होगा इसका इतना टॉर्क है। तो टॉर्क बेसिकली है क्या? टॉर्क है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब ये टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट है, या फिर हम बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, एक्चुअल में टर्निंग इफेक्ट कैलकुलेट कैसे होते हैं उसको देखते हैं। सपोज करो ये एक बॉडी है, मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, घुमाना चाहता हूँ, बड़ा सिंपल है। तो मैं क्या लगाऊं इसके ऊपर? फोर्स लगाता हूँ। तो चलो 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ और मैं चाहता हूँ ये बॉडी घूमे, तो मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, लेकिन बॉडी क्या जरूरी है कि घूमेगी? क्यों? डायरेक्शन, ये देखो 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी घूम ही नहीं रही, कैसी घूमेगी? अच्छा, फिर दूसरे को बुलाया स्टूडेंट को, वो कहता मैं लगाता हूँ, ये देखो 10 न्यूटन, बॉडी घूम ही नहीं रही, ट्रांसलेशन मोशन में आ गई। किसी तीसरे को बुलाया, उसने टेंजेंशियल फोर्स, अब लग रहा है कि बॉडी कहीं घूम रही है। इसका मतलब अगर आप टर्निंग इफेक्ट लेके आना चाहते हो, बॉडी को घुमाना चाहते हो, तो आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई ये भी मैटर करता है। इवन अगर आप बॉडी को ट्रांसलेट करवाना चाहते हो, आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई वो मैटर करता है, तभी तो फोर्स एक वेक्टर है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैटर कर रही है। तो आप इसमें क्या चाहते हो? टर्निंग इफेक्ट। अब देखो, कोई स्टूडेंट अगर टेंजेंशियल फोर्स लगाता है टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, कोई अगर फोर्स को ऐसे लगाता है टर्निंग इफेक्ट आई नहीं रहा, कोई ऐसे लगाता है नहीं आ रहा, ऐसे लगाता है नहीं आ रहा, ऐसे लगाता है कम आ रहा है। तो ये कोई तरीका नहीं ना, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है और कम आ रहा है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। 10 आ रहा है, 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या नाम देंगे? टॉर्क। तो फोर्स लगाने के बाद कितना टर्निंग इफेक्ट आ रहा है उसको अगर मेजर करें, उसको क्या बोला जाएगा? टॉर्क, या इसका दूसरा नाम क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। अब टॉर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको समझना पड़ेगा, लेकिन टॉर्क कैलकुलेट करने से पहले एक और चीज समझनी है, और वह एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? सपोज करो ये बॉडी ऐसे घूम रही है, तो एक इमेजिनरी एक्सिस है जो माना जाता है कि इसके सेंटर से पास कर रहा है। तो ये क्या है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन? ये फैन रोटेट कर रहा है, फैन का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? फैन के सेंटर में से पास कर रहा है। अगर ये डिस्क को मैं ऐसे मूव करवाऊं, ऐसे घुमाऊं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या माना जाएगा? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रहा। अगर मैं एक सिलेंडर लूं या कोई भी एक ऐसी बॉडी लूं, इसको ऐसे घुमाऊं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? इसमें से होगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक इमेजिनरी एक्सिस है जिसके अबाउट सारे पार्टिकल बॉडी को घूमते हैं, रोटेट करते हैं। अर्थ भी अगर रोटेट करती है तो उसका भी कोई ना कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन रहता है, ठीक, इमेजिनरी है। अब इमेजिन करो कि मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय सिंबल टॉर्क या टाउ। और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। और इसका जो फॉर्मूला है टॉर्क का कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आप अपने फॉर्मूला रजिस्टर में पहले इसको नोट करें, टॉर्क वेक्टर इज आर क्रॉस एफ, ये पहला फॉर्मूला है, टॉर्क वेक्टर इज आर क्रॉस एफ। एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास करती है, लेकिन कभी कभी साइड से भी कर सकती है, वो हम बॉडी को कैसे घुमाते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप एक फैन लें, पुराने जमाने में फैन, वो जो लाइट जाती है, तो फैन क्या होता है, ये देखो, ये आप स्टिक लें, इसे यहाँ चिपका दें, ठीक है। तो ये मान लो स्टिक है, तो इमेजिन करें अगर आप वो फैन नहीं था ऐसे, तो ये स्टिक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो स्टिक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये तो सेंटर मास से पास नहीं कर रहा, तो ये तो उस पर डिपेंड करता है आप घुमा कैसे रहे हैं। तो आप बॉडी को कैसे घुमा रहे हैं उसके ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंड करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली हाँ, आज की डेट में अगर आप पूछें तो हाँ, सेंटर ऑफ मास से पास करता है, बोल सकता हूँ, पर लेकिन जरूरी नहीं होता, वो डिपेंड करता है। हम आगे आने वाले टाइम यही स्टडी करेंगे कि क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब टॉर्क का फॉर्मूला लिख लिया, टॉर्क को अगर ओपन करें इस फॉर्मूले को, तो आर
एफ साइन थीटा, और आर एक वेक्टर है, एफ एक वेक्टर है, तो या तो डॉट लगेगा मल्टीप्लीकेशन या क्रॉस लगेगा। यहाँ पर क्रॉस लगता है क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर है, डॉट लगाएंगे तो स्केलर होगा क्योंकि वेक्टर है, यहाँ पर टॉर्क वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट से काम चलता है। तो इसे ओपन करेंगे आर एफ साइन थीटा। अब हम समझते हैं कि टॉर्क कैलकुलेट होता कैसे है, इसको ध्यान से समझना। ये आपके पास कोई भी एक मान लो बॉडी है जिसको मुझे घुमाना है, इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ। मान लो ये पेन फोर्स वेक्टर है और ये फोर्स वेक्टर मैं यहां लगा रहा हूं, ये लग गई फोर्स वेक्टर, ठीक है, फोर्स वेक्टर हो गया। ये अगर डिस्क कैसे घूमेगी, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है, इसके सेंटर से कर रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आर वेक्टर का मतलब है, आर वेक्टर का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां, जहां पे आपने फोर्स को लगाया। ये आपने फोर्स को यहां लगाया, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स की, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस से ये जो दूरी है, एक्सिस से सेंटर से ये जो दूरी निकलेगी, ये वाली, ये पेन एक्सिस से जहां पे फोर्स लगा रहा हूं, ये आर वेक्टर है। तो ये आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है। तो आर वेक्टर क्या है, डिस्टेंस किसके किसके बीच में, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट पर फोर्स को लगाया जा रहा है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास ये एक फिगर है, ठीक है, तो मान लो ये एक फिगर है ये थी, और ये इसमें ये मान लो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो मैंने फोर्स क्या लगाई, एफ वेक्टर, ठीक है, ये एफ वेक्टर मैंने फोर्स लगाई और ये इसका इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये बॉडी घूम रही है। तो आर वेक्टर देखो क्या बनेगा, आर वेक्टर होगा ये एक्सिस है, इस एक्सिस से जहां पे फोर्स लगी उसकी दूरी को मैग्नीट्यूड में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। और अगर मैं थोड़ा सा और इसको आगे कंटिन्यू कर लूं तो ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी या टॉर्क वेक्टर क्या होगा यहां पर, आर क्रॉस एफ, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा, राइट, क्लियर है यहां तक। तो आर वेक्टर कौन सा लेना समझ में आ रहा है, एक्सिस से फोर्स जहां पर अप्लाई कर रहे हैं वो वेक्टर, और फोर्स के बीच में एंगल को एंगल ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड एफ लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको सपोज मैंने एक फिगर चेंज करके दी, और फिगर क्या दी, सपोज मैंने फिगर दी ये रहा, एक स्फेयर है, ये जो स्फेयर है इसके टॉप पे मैंने फोर्स एफ लगाई, लगा दी एफ, तो चलो ये एफ वेक्टर है। और जब ये रोल करता हुआ आगे जाएगा या घूमेगा तो इसका एक्सिस कहां से पास कर रहा है, इसके सेंटर से इमेजिनरी। तो फिर आर वेक्टर क्या बनेगा, आर वेक्टर होगा यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर के साथ। और अगर हम इसे आगे कंटिन्यू कर दें तो ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 90, ठीक। तो टॉर्क अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आर क्रॉस एफ लिखेंगे, और अगर मैग्नीट्यूड में लिखना है तो आर एफ साइन ऑफ 90 लिखेंगे, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, आर एफ। और क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम है, तो यहां पर टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम कब आएगा किसी बॉडी में, जब एंगल आर में और एफ में क्या रहेगा, 90। और 90 कब रहेगा, जब आप बॉडी को किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगाओगे वो टेंजेंशियल लगाओगे, तो जब आप फोर्स टेंजेंशियल लगाओगे तो आर के साथ ऑटोमेटिकली एंगल क्या बनेगा, 90, तो मैक्सिमम टॉर्क आएगा। इवन अगर आपके सामने ग्लोब है, वो टेबल पर पड़ा होता है ग्लोब, उसको घुमाना हो तो आप कैसे अप्लाई करते हो फोर्स, टेंजेंशियल, तो वो बहुत तेज घूमता है। तो टेंजेंशियल फोर्स इसलिए, तो आर और एफ में एंगल क्या बन जाता है, 90, टॉर्क क्या जाता है, मैक्सिमम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आ गई इसमें। नेक्स्ट है, अब इमेजिन करो ये एक बॉडी है और ये एक्सिस, मतलब इसके अबाउट इसे घूमना है। सपोज करो मैंने फोर्स ऐसे लगाई,
ये मैंने फोर्स लगाई। अब आर वेक्टर क्या बना, ये मेरा आर वेक्टर हुआ, आर वेक्टर का मतलब ये एक्सिस और जहां पर फोर्स लगाई उनके बीच में एंगल आर वेक्टर है, तो एंगल इनकी डायरेक्शन में क्या बना, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आर एंड एफ ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, आर एफ साइन 180, साइन 180 मैथ्स में क्या होता है, जीरो, कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा और बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप फोर्स को इस तरीके से लगाएंगे तो क्या बॉडी रोटेट करेगी, कभी भी नहीं करेगी। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, तो इसलिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई टॉर्क उसके हिसाब से अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट क्लियर है। अब टॉर्क एक वेक्टर है जैसे मैंने बताया, इसकी डायरेक्शन थोड़ी देर में हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन पहले काम करते हैं टॉर्क को अप्लाई कैसे करना है उसका फॉर्मूला नोट करते हैं और उससे कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली टॉर्क लगाना आ जाए। आज के लेक्चर का कोई काम नहीं है, बस आपको ये सिखाना है कि टॉर्क लगता कैसे है, बस। ठीक, तो इसके लिए आप एक काम करें, आप अपनी कॉपी ओपन करें और ये एक्सिस ड्रॉ करें, मान लो ये एक्स एक्सिस है और मान लो ये वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है, सपोज करो कोई बॉडी रोटेट कर रही है, देखो रोटेशन जो है ये डायग्राम कैसा है, कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रही थी या कोई भी ये बॉडी का पार्ट है, चलो मान लो डिस्क का पार्ट है, तो एक डिस्क है, मैंने पूरी डिस्क नहीं बनाई, मैंने पार्ट ऑफ डिस्क बना दी, क्या फर्क पड़ता है, तो पार्ट ऑफ डिस्क बना दी सच दैट मैंने इसके ऊपर फोर्स, ये मैंने फोर्स लगाई एफ वेक्टर, तो लेट अस सपोज ये जो फोर्स है मैंने इस P पॉइंट पे लगाई और ये फोर्स कितनी है, ये फोर्स है F वेक्टर। तो क्योंकि इस P पॉइंट पे मैंने ये फोर्स लगाई, अब मैं अगर ये बोलूँ कि R वेक्टर क्या है तो मुझे एक्सिस बताना पड़ेगा, तो मान लो रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट हो रही है, मान लो ये रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट हो रही है, ठीक है, तो R वेक्टर क्या होगा, ये एक्सिस है और ये P पॉइंट है, अगर हम इन्हें ज्वाइन कर दें तो ये क्या होगा, R होगा, और r वेक्टर क्या होगा, इसको थोड़ा सा अगर आगे कंटिन्यू कर लें तो ये वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, r वेक्टर होगा। तो मुझे इमेजिन करना पड़ेगा r और f के बीच में एंगल क्या है, थीटा, तो टॉर्क वेक्टर यहां पर क्या होगा, r क्रॉस f या मैग्नीट्यूड के अंदर r f साइन ऑफ थीटा, राइट, क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो देखो तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो टॉर्क निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है आर और एफ और साइन थीटा, मैं कुछ नहीं कर रहा, बार बार उसी चीज को बता रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि आर वेक्टर है क्या। लेकिन अब जो मैं एक मेथड सिखाने जा रहा हूं वो एक शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट बड़ी काम की चीज है, इसको प्लीज जरूर ड्रॉ करें और ये बहुत काम आएगा। तो सपोज करो आपके पास ये एक ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक, फिर से एक बॉडी का पार्ट ये रहा जो मुझे रोटेट करवाना है और ये रहा कोई पॉइंट पी
जिसके ऊपर मैं एफ फोर्स लगाने वाला हूँ। तो मान लो मैं एफ फोर्स जो लगा रहा हूँ वो कुछ ऐसे लगा रहा हूँ, ये मैंने एफ फोर्स लगा दी, दिस इज फोर्स एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है यहाँ सर। तो ये एफ फोर्स है, और फिर आर वेक्टर की अगर बात की जाए तो आर वेक्टर क्या बनेगा, ये मेरा आर वेक्टर बनेगा, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो मेरा आर वेक्टर ये हो गया आर वेक्टर। तो आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर में मान लो एंगल क्या है, थीटा, सही है। तो टॉर्क का फॉर्मूला इसमें मैग्नीट्यूड में क्या बनेगा, आर एफ साइन थीटा, ये तो आपको रिपीट ही हो गया, लेकिन अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने इस फोर्स वेक्टर को पीछे एक्सटेंड कर दिया, इमेजिनरी पीछे की तरफ ले गया, ठीक। और मान लो ये मेरा एक्सिस है जिसके अबाउट क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है, इस एक्सिस से इसका मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, दिस इज परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू क्या है, डी, और ये रेडियस का डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक, आर। तो लेट अस सपोज ये कंस्ट्रक्शन की, मैंने एफ को पीछे ले गया, एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये डिस्टेंस कितना आया, डी, ठीक, डी, कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। तो एक बात बताओ कि अगर ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी क्या है, थीटा है, तो टॉर्क की वैल्यू विल बी इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। बोलो इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, डी डिवाइडेड बाय डी बाय आर, ये हाइपोटेन्यूज है, तो डी बाय आर, आर से आर कैंसिल, तो क्या फॉर्मूला आ गया, फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी टॉर्क है। तो ना मुझे आर चाहिए, ना मुझे एंगल चाहिए, बस एक एफ चाहिए और एक डी चाहिए, तो एफ इंटू डी क्या जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, बात खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है, आप सोचेंगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वही ठीक था, आर एफ साइन थीटा, बात खत्म, ये ज्यादा बेटर है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। तो इसकी एप्लीकेशन करते हैं, और ये बहुत काम की चीज है, काफी ज्यादा ये यूज होने वाली चीज है, कि ज्यादातर क्वेश्चन में आपको थीटा गिवन ही नहीं होता, ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही गिवन होता है, आज के लेक्चर में यही सीखना है हमने, ठीक। मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, चलो एग्जाम्पल करते हैं। मान लो एक पार्टिकल पी है, कोई भी एक पार्टिकल पी है जिसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, एफ, वेक्टर नहीं, मैंने मैग्नीट्यूड लिया, तो फोर्स की वैल्यू कितनी लग रही है इसमें, एफ, क्लियर है यहां तक। और मान लो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन मुझे करवानी है इस एक्सिस के अबाउट, मतलब फोर्स लगाऊंगा और ये बॉडी कुछ मैं चाहता हूं ऐसे घूमे, तो कुछ ये मैंने फिगर नहीं ड्रॉ की कैसे सर्कल बनेगा, पर ये पता है कि फोर्स लग रही है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा। और आपको एक और चीज इसमें गिवन है और वो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा, तो ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, डी, और आपको ना मैंने आर दिया ना, क्योंकि एक्सिस, तो मुझे आर का मतलब क्या होता है, एक्सिस और फोर्स के बीच में डिस्टेंस आर होता है, जो मैंने दिया नहीं, और आपसे ये पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, ना थीटा दिया, ना आर दिया, एक एफ दिया और डी दिया आंसर, तो पूछ रहा हूं आंसर क्या होगा, बनता तो यही एफ इंटू डी, क्योंकि और तीसरी चीज दे ही नहीं रही, तो एफ इंटू डी तो करेंगे ही। लेकिन एक्चुअल में पहला तरीका, एक्चुअल तरीका जो आपको नहीं करना, सिर्फ देखना है, एक्चुअल में अगर हम इसको ऐसे करें कि आर होता क्या है, आर होता है एक्सिस से लेके फोर्स तक के डिस्टेंस को आर बोलते हैं, एक्सिस से फोर्स तक के डिस्टेंस को आर बोलते हैं। इसको आगे अगर एक्सटेंड कर दें तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आर वेक्टर आ गया, ठीक, यार वेक्टर आ गया, राइट। तो इसके अंदर आर और एफ में इमेजिन करें एंगल थीटा है, देखो आर भी मैंने इमेजिन किया है, थीटा भी मैंने इमेजिन किया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये थीटा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये भी थीटा है। टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है, आर एफ साइन थीटा, आर एफ इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा किसके इक्वल है, डी डिवाइडेड बाय आर, आर से आर
कैंसल, ठीक बोला था आपने, एफ इन टू डी। तो हम अपने न्यूमेरिकल्स में ये फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने न्यूमेरिकल्स में ये फॉलो नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? पहले आर इमेजिन करें, फिर उसके बाद हम क्या करें, आर इमेजिन करने के बाद थीटा लें और फिर एलिमिनेट करें, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। हम क्या करेंगे, हम सीधा शॉर्टकट लगाएंगे। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपकी फोर्स है एफ, और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, ठीक, और ये आपका एक्सिस है। तो आप इमेजिन करें कि ये फोर्स किस एक्सिस में है, एक्स में। फोर्स किस एक्सिस में है, एक्स में, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस एक्सिस में है, वाई। ये देखो, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, डी। तो टॉर्क का सीधा फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, टॉर्क आ गया। तो आज की बात ना आर ना थीटा, एफ अगर एक्स एक्सिस में है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको वाई में मिलेगा, और अगर फोर्स वाई में है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको एक्स में मिलेगा, उल्टा एक्स में मिलेगा, सिंपल है। तो ज्यादा आसान तरीका है, कुछ नहीं करना, फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। कोई डाउट इसमें? सही है।